आ रहे हैं जो कि थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। हमारे शास्त्रों का मानना है कि ऐसी महान हस्तियां जब भी कहीं जाती हैं तो कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है, तो दिल थाम के बैठे रहिए, हमारे नेताजी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जहां न पहुंचे रभी कभी वहां पहुंचे एपीएस की न्यूज सभी। हमारे नेताजी का आगमन हो गया है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। चश्मा ब्रांडेड लगा हुआ है, सिक्योरिटी भी है। नेताजी वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे भाई नागराज इधर आप, कैसा चश्मा लाए यार, कुछ दिखाई नहीं देता। कैसे पत्रकार हो यार, तुमको नमस्कार करना नहीं आता। सर देखो हम कर रहे हैं, नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरे में घुस के आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। मैं रणछोड़ दास छाछट क्षेत्र के सांसद पद का पहला उम्मीदवार हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट नेता मैं उत्तु बच्चे मारे सिक्योरिटी गार्डर है। गार्डर तो सस्ते में आवे नेताजी, सिक्योरिटी गार्ड है नेता मैं उत्तु। नहीं सर आप बोल आए नेताजी, हमारे स्टूडियो में कल तक में आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। अरे भाई ये करे स्थान ग्रहण करो, चारपाई का लगाई है नेताजी, स्टूडियो है यहाँ पे, चारपाई नहीं चेयर लगाई गई है। चेयर का हुआ है छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। ओ इतनी छोटी चारपाई, इसमें तुम्हारी पुंगी भी ना आवे। आइए नेताजी बैठिए। ए ए ए क्या हुआ, भाग रही नेता, भाग रही, पट 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 आ रही नेता। अच्छा नेताजी, तो हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। काय स्टार्ट कर रहे हैं यार, कोनो गाड़ी और ये का नहीं नेताजी, साक्षात्कार नेताजी। ओ साक्षात्कार। हाँ भाई स्टार्ट करो। नेताजी ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? ए बेवकूफ, इलाका तो कुप्पो का होता है, इज्जतदार लोग भाई साले हमारे नेता जी के लिए। सर मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में आपका जन्म हुआ था? यार चार दिन के बच्चे को क्या पता कहाँ पैदा हो रहे, उस समय मेरी आंखें बंद थी। जोरदार ताली हमारे नेता जी के लिए। अच्छा नेताजी, तो आप थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जनरल नॉलेज का हुआ, सामान्य ज्ञान नेताजी। ओ सामान्य ज्ञान। हाँ भाई पूछो। नेताजी ये बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? भाई चांद पर पहला कदम अम्मा स्ट्रांग ने रखा था। अम्मा स्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मी स्ट्रांग। नेता मैं उत्तु, सॉरी सर। नेताजी दूसरा सवाल ये बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ है, महा बेवकूफ। एक टांग से क्या लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा पैर भी उसी ने रखा था। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी अब थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं। पॉलिटिक पॉलिटिक का हो रहा है? राजनीति नेताजी, राजनीति। ओ राजनीति, हाँ भाई करो। नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? क्या यार हिंदी में नहीं पूछ सकता, इधर जी गवर्नमेंट का हो रहा है? सरकार नेताजी, सरकार। सरकार हमारी सरकार, भाई हमारी सरकार राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे ना ना, जय राम भरोसे ना, जय राम भरोसे। लेकिन कैसे? सारा काम ये करे अंगूठा भाई। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। नेताजी ये बताइए कि आपने अपनी जनता के लिए क्या किया?
क्या किया? पुराना चिट्ठा खोलेंगे का? बता दीजिए कंबल बंटवाए थे भाई, कंबल बंटवाए थे जनता को, जानवरों को, गाय भैंसों को। अच्छा, आपने मतदान जनता से लिए और कंबल और जानवरों को बंटवा दिए? अरे उनको ना बंटवाते, सर्दी मर जाते, दूध तो नहीं कम पीते। नेताजी के लिए, नेताजी ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी का हुआ लोकतंत्र, नेताजी प्रजातंत्र, लोकतंत्र प्रजातंत्र वहा जनता के द्वारा, जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा, जनता की ऐसी तैसी, इसको तो कहता हूँ मैं डेमोक्रेसी। जोरदार ताली हमारे नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह झूठा है, नेताजी के लिए। अच्छा नेताजी ये बताइए कि आप अपनी पार्टी से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई अपनी पार्टी का संदेश देना चाहते हैं, ये हमारा संदेश है, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, भारी बहुमत से हमको विजयी बनाओ, और जो चाय कॉफी से न माने उसे तारू और बिरयानी। जोरदार ताली हमारे नेताजी जवाब के लिए, जोरदार ताली। नेताजी पिछले महीने गांव में आग लगी थी, उसमें आपके क्या सहायता थे? भाई उसमें हमने बहुत कार्य किए, बहुते कार्य किए, जितने घायल हुए सबको शमशान घाट पहुंचा के आए हैं, जितने मर गए सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, जिंदा करने की कोशिश अभी भी जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए गए हैं, और जितने मर गए सबको 10 रुपए का मुआवजा, और जितने घायल हुए सबको 50 रुपए। भाई इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। नेताजी ये बताइए कि पिछले दिनों में इतनी महंगाई बढ़ी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण है? बात पलट दीजिए। क्या यार कभी दिमाग खराब करना, प्रश्न में प्रश्न किया जाए, डीजे मुझे नहीं लगवा सकता था? नेताजी स्टूडियो है, यहाँ पे डीजे नहीं लगवाए गए हैं। मोबाइल दे भाई, मोबाइल दे। मोबाइल क्यों? अपनी रामपति को फोन करना है। रामपति कौन है? मारी गर्लफ्रेंड का थारी गर्लफ्रेंड हो है। देख ले, ऐसा नहीं देखा क्या? देख पट। हेलो रामपति, देख ये टीवी पीटीवी सबने कैमरा लगे हुए, देख कौन से चैनल पे आ रहा हूँ मैं। हेलो कुत्ते, हेलो जी बोलिए। हेलो देख ये टीवी पीटीवी सबने कैमरा लगे हुए, देख कौन से। अरे चुप कुत्ते के भी नहीं, राउंड नंबर लगा के बात कर रहे हैं। भाई तुझसे कुछ कह रही है यार। ओह मेरी बात का नंबर, सॉरी यार, कोई गधा है। ए गधा किसको बोल रहे हो? ए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नेताजी, नेताजी क्या कर रहे हो? ए पता नहीं ऐसे जाहिल नेता कहां से चले आते हैं हमारे स्टूडियो में। अरे मैं नहीं आया था, तूने बुलाया था मुझे। अरे महाराज जाओ जाइए। मेरे प्रिय दर्शकों, हमारे इस इंटरव्यू को दिखाए जाने का सिद्धांत सिर्फ आपका मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपको अपने मतदान के प्रति जागरूक करना है, जो कि आपका एक वोट आपके देश राज्य से तक आज की तकदीर बदल सकता है। आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे चाहे नेता रहेंगे इस देश की क्या परिस्थिति होगी। सामने लोकसभा का चुनाव है, तो मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि आप उसे ही चुने जो पढ़ा लिखा और अनुभवी हो। धन्यवाद। ऐसी शिक्षा संस्थान खान जहापुर डगरा के प्रधानाचार्य